यार आज मेरे घर पे ना ऑफिशियली पिज्जा डे है, क्योंकि फॉर अ चेंज मम्मी ने बोला है आज लंच में कुछ बनाया नहीं है तो पिज्जा ऑर्डर कर लो। और मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ, बट एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है, मुझे पर्सनली पिज्जा हट ज्यादा पसंद है और मेरे भाई को डोमिनोज पसंद है, और घर वालों का तो वो तो कुछ भी खा लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं डोमिनोज और पिज्जा हट दोनों से पिज्जा ऑर्डर कर दूं, है ना। बट एक ट्विस्ट और है ये, तो सीन ये है, मैं ना 500 रुपए डोमिनोज में स्पेंड करूंगा और 500 रुपए पिज्जा हट में, एंड लेट्स सी कितना खाना आता है। पता है क्या, ये जो मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, इसके बारे में मेरे घर वालों को नहीं पता। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पिज्जा आने वाले, सबका पेट बढ़िया भरेगा, और भाई मुझे नहीं पता यार कितना खाना आएगा। चलते हैं, लेट्स फाइंड आउट, एंड बस, एंड कुछ नहीं, बस पिज्जा लेके आते हैं, फिर मिलते हैं। गाइस, पिज्जास आर हियर, बट तुम्हारे भाई ने ना एक लॉल कर दिया, और वो लॉल पता है क्या है, एक सेकेंड। तो पिज्जा हट में ना मैंने स्पेंड किए 477, और डोमिनोज में ना मुझसे स्पेंड हो गए 578 रुपीज। भाई एक्चुअली ना एक वेज पार्सल मैंने ज़्यादा ऑर्डर कर दिया, मैं हमेशा लॉल कर देता हूँ, बट चलो ठीक है, नहीं खाऊंगा मैं वेज पार्सल, और क्या। बट यार फॉर अ चेंज मुझे लग रहा था पिज्जा हट में खाना थोड़ा कम आएगा, क्योंकि पिज्जा हट थोड़ा एक्सपेंसिव है, ऐसा मुझे लग रहा था। भाई पिज्जा हट में ना 2 पिज्जा आए हैं, अब जल्दी से घर चलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या क्या लेके आया हूँ। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, गर्मा गर्म पिज्जा, ओहो घर चलो यार। यार रास्ते में इतना ज्यादा ट्रैफिक था और मुझे भूख इतनी ज्यादा लगी हुई थी, तो मैंने पता क्या किया, डोमिनोज वाली गार्लिक ब्रेड थोड़ी सी गाड़ी में खा ली। क्या करूँ यार, भूख बहुत तेज लगी हुई थी। सो हियर आर द पिज्जास, पिज्जास के सिवाय भी बहुत कुछ है, तो जल्दी जल्दी इनको अनबॉक्स करते हैं, टेस्ट करते हैं, और फिर भाई मुझे ना घर वालों को भी खिलाना, सब वेट कर रहे हैं। तो एक सेकंड, ये सब आया है भाई 577 रुपीस का डोमिनोज से, और ये सब आया है 477 रुपीस का पिज्जा हट से, और ये भी आया है, ये इसके लिए मैंने 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं पिज्जा हट में, फिर भी पैसे बच गए भाई। तो पिज्जा हट से स्टार्ट करते हैं। पता है सीन क्या है, पिज्जा हट में ना वो मील फॉर वन का ऑप्शन था, उसके अंदर ना एक पेप्सी मिल रही थी, एक पिज्जा ले सकते थे आप, और गार्लिक ब्रेड भी थी। तो मैंने कहा बॉस ये तो सही है, तो 250 रुपए का तो वही था, और साथ में फिर मैंने एक मार्गरीटा पिज्जा भी ऑर्डर कर दिया, मतलब ताकि कमी ना रह जाए मुझे फालतू में, वरना सुननी पड़ जाती घर वालों से, ठीक है। और पेप्सी भी आई है, वैसे मैं इतना पेप्सी पीता नहीं हूँ, तो ये पड़ी रहेगी या फिर कोई पी लेगा, आई डोंट नो। एंड This is my box. और इसमें ना पता है मैंने ये spiced पनीर पिज्जा लिया है, और यार मैं शायद आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मुझे पर्सनली पिज्जा हट के पिज्जा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों यार वो मुझे थोड़े से सॉफ्ट लगते हैं और माल थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, मुझे बस ये फर्क लगता है। ओके, डोमिनोज का दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेके आया हूँ। चोकोलावा केक, गार्लिक ब्रेड, वेज पार्सल, वेजी पैराडाइज पिज्जा, और चीजी डिप भी है। चीजी डिप मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये वाली जो गार्लिक ब्रेड थी ना, ये वैसे नॉर्मल गार्लिक ब्रेड होती है, मैंने 20 रुपीज देके इसके ऊपर एक्स्ट्रा चीज डलवाया था, तो मैंने सोचा जब डोमिनोज से भी गार्लिक ब्रेड स्टिक्स लूंगा तो चीज डिप साथ में ले लूंगा, वो इक्वल इक्वल हो जाए। तो आज पास्ताज नहीं है, ये सीन है, मतलब काफी सामान है यार, मतलब मेरे घर वाले तो इतना खाते भी नहीं है, थोड़े थोड़े में सबका पेट भर जाता है, पिज्जा वैसे ही हैवी होते हैं। एंड लेट्स ट्राई इट, ये जो चीज़ डिप है ना, ये मैं पिज्जा हट की गार्लिक ब्रेड के साथ भी यूज कर रहा हूँ, ये देखो यार इसके साथ तो मजा आता है। तो अभी तो मैंने लिया भाई, अब पिज्जा पे आ जाते हैं। ये है पिज्जा हट का स्पाइस्ड पनीर पिज्जा, और ये है डोमिनोज का वेजी पैराडाइज। यही रीजन है भाई मुझे पिज्जा हट ज्यादा पसंद है, पिज्जा हट का बेस एक तो सॉफ्ट होता है, थोड़ा मोटा होता है, और डोमिनोज वालों का देख लो भाई तुम्हारे सामने ही है, फिर भी पता नहीं क्यों सबको डोमिनोज पसंद है, आई डोंट नो। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मुझे डोमिनोज बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब डोमिनोज का ये चोकोलावा केक ये मेरी फेवरेट है भाई, चोकोलावा केक तो मैं पक्का ऑर्डर करता हूँ। हाँ, दिस इज गुड, सॉफ्ट फ्लफी बेस, बस टमेटो का फ्लेवर थोड़ा ज्यादा आ रहा है। ओहो थोड़ा ज्यादा डल गया, शिट भाई। पेपरिकास देख के मुझे याद आया, जब मैं डोमिनोज गया था ना, वहां पे मैंने देखा था डोमिनोज ने 2 अपने नए पिज्जा लॉन्च किए हैं, वो कुछ हॉट एंड स्पाइसी टाइप पिज्जा हैं,
क्या कहते हो, वीडियो बनाओ उस पर, मुझे कमेंट में बताना। शॉर्ट वीडियो तो बना सकते हैं, पता नहीं यार आप लोगों को इतना हार्ड पिज्जा कैसे पसंद आ जाता है। मतलब मुझे ये पिज्जा वालों ने पैसे नहीं दिए बिल्कुल भी। और भाई पता है क्या, दोनों ही पिज्जा डोमिनोज में जब मेरे पिज्जा बना रहे थे किसी ने ग्लव्स पहने ही नहीं थे। जिस बंदे ने मेरा ऑर्डर लिया उसने ही जाके मेरा पिज्जा बनाया। आई वाज लाइक भाई हाइजीन की तो मार ली तुमने। पिज्जा हट का मार्गरीटा पिज्जा, भाई ये मुझे पिज्जा कम एक ब्रेड ज्यादा लग रही है। ये देखो नाइस सॉफ्ट ब्रेड है। अब देखा जाए तो पिज्जा हट में ना मुझे 1, 2, 3 चार चीजें मिली हैं और 500 रुपए भी मेरे पूरे नहीं हुए, और डोमिनोज में 1, 2, 3, 4 इसमें भी चार चीजें मिली हैं बट बजट एक्सीड हो गया। टेक्निकली ये जिंगी पार्सल को अगर मैं हटा दूं तो तीन ही चीजें आएंगी भाई 500 रुपए में। ये सीन है डोमिनोज का। भाई ये रही गार्लिक ब्रेड जो कि आधी तो मैंने गाड़ी में ही खा ली थी, एक और खा लेता हूँ बाकी मैं सबके लिए छोड़ देता हूँ। पर्सनली भाई डोमिनोज की गार्लिक ब्रेड ना मेरी फेवरेट है। अब कुछ चीजें मुझे डोमिनोज की पसंद है, कुछ चीजें मुझे पिज्जा हट की पसंद है, ये सीन है भाई। ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने खा ही लिया, ये जिंगी पार्सल नहीं खाया। ये देखो इनका जिंगी पार्सल, मतलब ठीक है ना, मेरा मन भी नहीं है खाने का तो इसको मैं रखता हूँ साइड में। और अपनी फेवरेट चीज पे आ जाते हैं, द चोकोलावा केक। नाइस भाई, कभी भी मतलब मैं परेशान हो जाता हूँ ना या फिर मूड खराब होता है, मैं चोकोलावा केक खा लेता हूँ, मूड ठीक हो जाता है मेरा। दिस इज सो गुड भाई। चोकोलावा केक ही ना भावनाओं में बह गया मैं, मुझे जल्दी सब कुछ पैक करना है, सब कुछ नीचे लेके जाना है, सब मेरा वेट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग। बाद में करूंगा पैकिंग, मैं पहले आराम से केक खाऊंगा, वेट 2 मिनट।